भाई मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम से मैं अपनी गाड़ी को कहीं लेके नहीं गया था, तो मैंने सोचा इस रैप में क्यों ना इस गाड़ी को पहाड़ों पर लेके जाया जाए और बाइक की भी भाई फर्स्ट रोड ट्रिप हो जाएगी और मेरी भी। तो इस अच्छा अभी चेंज होने वाला है, गाड़ी की लुक चेक करो कितनी अल्टीमेट लग रही है। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप जब बाहर जाते हो दिल्ली से तो आप क्या इसका रैप और इसकी जो फिल्म है, मतलब फिल्म कहने का मतलब गाड़ी की जो टिंट है वो फाड़ देते हो। तो भाई नहीं, बिल्कुल टिंट कहीं नहीं फाड़ता गाड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मेरा नाम अंशु बत्रा है और ये मेरी कार है, पीछे स्विफ्ट है और हम इसमें मसूरी गए थे। और वैसे हम दिल्ली से हम इस गाड़ी को मसूरी लेके गए थे और कल मसूरी में थे। इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो रखी है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इलीगल नंबर प्लेट है, रैप हो रखी है और टिंट हो रखी है पूरी गाड़ी, और सनरूफ भी है। और हम कल मसूरी से देहरादून वापसी आ रहे थे तो देहरादून पुलिस ने चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी को सीज कर दिया और चालान कर दिया है। चीटिंग करता है तो तो गाइस आपने देखी ना, ये स्विफ्ट जो है ना पूरी रैप हो रखी थी। और ना ये यूट्यूबर भाई की भाई अपने अंशु बत्रा करके हैं, जो दिल्ली के एक ब्लॉगर हैं। और अभी ना इनके ना किस्मत भी खराब चल रही, क्योंकि अभी जो अगस्त क्या ना 15 अगस्त, इसमें जो है ना इनकी रैली चल रही थी और डीसी अवंती वगैरह जो है ना इनकी क्रैश हो गई थी। और अभी जो है फिलहाल भाई जो है ना देहरादून आ रहा था भाई कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो जो स्विफ्ट है ना, जो स्विफ्ट गाड़ी है, ये जो रेड कलर की गाड़ी है ना, ये गाड़ी वैसे बेसिकली रेड कलर की है। और ना इसमें ना रैप कर रखा था, बहुत तगड़ा वाला रैप कर रखा था भाई ने। भाई मैं कोई वो नहीं, मैं हेटर नहीं हूँ भाई भाई का, कि मैं इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ। भाई मैंने भी खुद उसको सब्सक्राइब कर रखा भाई चैनल को, तो मैं देखते रहता था। गाड़ी अच्छी लगती थी यार, टेपिंग तो अच्छी लगती है ना, बट क्या है ना कि यार कुछ ना रूल के खिलाफ है ना, तो फुल्ली जो मॉडिफाइड होती है ना, मतलब जो टेपिंग कर रखी होती है ना, उससे ना भाई हमें दिक्कत हो जाती है और प्रॉब्लम, ये लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है भाई, जो अनदर ये जो है ना उसके खिलाफ है यार, रूल्स के खिलाफ है ये। और तो भाई इसमें कभी भी आरटीओ वगैरह पुलिस वाले जो है ना कभी भी चलान कर सकते हैं। तो यार मेरे हिसाब से तो इतना भयंकर रैप कराना तो बेकार है। हाँ लगे अच्छी लगती है गाड़ी, अगर आपको लोकल चलानी है तो फिर तो ठीक है भाई। अगर आपको फील्ड में लेके निकलना है ना भाई, हाईवे पे लेके निकलना है और अदर स्टेट निकलना है, जैसे कि भाई दिल्ली से यहाँ पर आए भाई घूमने के लिए उत्तराखंड में, और वहां तो चल रहा होगा भाई जैसा हिसाब किताब है भाई सबका, अपनी जगह 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 के बारे में पता होता है भाई सबको, है ना। तो यहाँ पर जो यार देहरादून में आके फिर और वो लोग आ रहे होंगे, और उसके बाद जो क्या हुआ ना कि यार उत्तराखंड पुलिस अपनी तेज है बहुत, और वो दो इस चीज को देखते रहते हैं भाई। जो मॉडिफाइड गाड़ियां आती है, साइलेंसर वैलेंसर हो गया, जिसे भी हो गया, बाइकों में भी हो गया, उसमें भी चलान हो रहा है। और जो टेपिंग फुल्ली जो मॉडिफाइड टेपिंग कर रखी है पूरी गाड़ी, मतलब ऐसी लग रही ना तो अलग से दिख रही होगी यार भीड़ में, कार्टून जैसी लग रही होगी भाई। तो पुलिस ने उसको रुकवा दिया भाई का, और भाई की गाड़ी जो है ना सीज वीज कर दी। और को तो गाइस सीधा सीधा ये है भाई कि इतनी भी मॉडिफाइड मत करो गाड़ी की, अपनी भीड़ में जो है ना गाड़ी अपनी अलग ही दिखे भाई। इतनी भी जो यूनिक मत करो कि भाई ना हमें प्रॉब्लम हो जाए भाई किसी स्टेट की, क्योंकि यूट्यूबर है भाई और यूट्यूबर इधर से उधर जाता है भाई कंटेंट के लिए बनाने के लिए। तो वैसा भी मॉडिफाइड मत करो भाई गाड़ी की, अपनी जो है ना पुलिस की नजरों में आ जाओ, चलान सीज हो जाए तो इससे अपनी भी बेइज्जती है। हालांकि कंटेंट आपको मिल जाएगा भाई, सीज होगी गाड़ी बोल के, बट ये है ना बहुत रिस्क भी है। कहीं 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 ऐसा भी होता है स्टेट में कि भाई छोड़ते नहीं गाड़ी, बिल्कुल ही सीज कर देते हैं। मेरे पास भी खुद गाड़ियां हैं, मैंने भी खुद मॉडिफाइड करके, बट इतनी मॉडिफाइड नहीं करेगी। कारें हैं मेरे पास, कारें भी मैंने इतनी मॉडिफाइड नहीं करेगी। बाइक है, बाइक में भी टेपिंग कर रखी है, लेकिन इतनी वैसी टेपिंग नहीं कर रखी मैंने, जो आरसी में जैसा है ना उस टाइप से मैच करता हुआ मेरा है जैसा मैंने करने रखी। तो आप लोग भी यार थोड़ा बच के रहना भाई, इतना मतलब थोड़ा सा यार देख लो। ये ब्लॉग बनाने का मेरा ये मतलब था भाई, इतनी भयंकर टेपिंग मत करना कि भाई जो कि आपको चलान और सीज हो जाए, तो इससे भी अपनी बेइज्जती है और भाई पैसा भी लग ही जाता है भाई, जेब से खर्च हो जाता है। तो बस ये वीडियो में दिखाने का मतलब ये था भाई। अंशु बत्रा भाई जी तो थोड़ा सा उन्होंने गाड़ी वगैरह सुधार दी होगी अब, हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने कर दिया, तो ये देखो उसमें रैप रूप सब फाड़ फड़वा दिया होगा। तो भाई ऐसे ही चलना है भाई, और कंटेंट बनाओ, अच्छे अच्छे बनाओ, वीडियो बनाओ, बनाते रहो, छाते रहो भाई यूट्यूब में। तो गाइस आपका भाई भी मेहनत करता ही है थोड़ी बहुत, तो सपोर्ट कर देना। और चैनल पर नहीं हो मेरे दोनों में अगर, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अंशु बत्रा भाई अब ऐसे गाड़ी अच्छी लग रही थी, बट कोई नहीं, दूसरे तरीके से मॉडिफाइड कराना, थोड़ा सा ऐसा कराना कि जो पुलिस की नजरों में भी ना आए, है ना भाई। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।